नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास का लेक्चर नंबर 39 आज हम पढ़ेंगे। औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, 4 मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मुगल वंश से प्रश्न आएंगे तो यहाँ से आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, ये मुगल वंश में आपको बाबर के बारे में पढ़ना है पहले, दूसरा हुमायूं के बारे में, तीसरा अकबर के बारे में, चौथा जहांगीर के बारे में, पांचवा शाहजहां और छठवां औरंगजेब के बारे में। मेन छह यही टॉपिक हैं आपके मुगल वंश में। इसके बाद जो औरंगजेब के बाद इसके उत्तराधिकारी आए थे मुगल वंश में, वो इम्पोर्टेंट उतने नहीं हैं, लेकिन वो भी मैं पढ़ाऊँगा। वो एक ही वीडियो में बता दूंगा कि हाँ, इनके बाद के कौन कौन से शासक थे, उनसे संबंधित क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है परीक्षक दृष्टि से, वो बता दूंगा। तो ये छह बहुत इम्पोर्टेंट थे, इसलिए हर वीडियो इनके लिए मैं सेपरेट बना रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत वहीं से करेंगे, जन्म से। जन्म इसका कब हुआ था बच्चों? 1618 ईस्वी में, 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में। पहले ही बता दिया मैंने, इसने अपने पिता को कैद कर लिया था। 1658 ईस्वी में कैद किया था और 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हुई थी। 8 वर्ष तक कैद कर कर रखा था इसने अपने पिता को। जन्म कहाँ हुआ था औरंगजेब का? गुजरात में एक जगह पड़ती है दाहोद, तो वहां पे जन्म हुआ था। ठीक, मैप में आप देख रहे हैं, ये जो साम्राज्य येलो कलर में दिखाया गया है ना, ये तो अकबर के द्वारा फैलाया गया साम्राज्य था, लेकिन इसने साम्राज्य को एकदम चरम सीमा तक पहुंचा दिया। मुगल साम्राज्य जो भारत में सबसे अधिक चरम सीमा तक पहुंचा, वो औरंगजेब के टाइम पीरियड पर पहुंचा। ये देख लीजिए, लगभग लगभग पूरा दक्षिण इसने अपने अधिकार में कर लिया था। पिता का नाम आपको मालूम पड़ गया, शाहजहां है। माता कौन थी? जो शाहजहां की सबसे फेवरेट पत्नी मुमताज महल, मुमताज बेगम, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया था, इसी की माता थी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, क्लास नोट्स श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर ले लीजिएगा आप। ठीक है, तो इसके क्लास नोट्स आपको श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत सिंपल भाषा में मैंने बताया है, बहुत सरल भाषा में मैंने वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। तो क्लास नोट्स पढ़कर रिवीजन कर लीजिए, वीडियो पढ़िए, क्लास नोट्स पढ़कर रिवीजन कर लीजिए, सबसे बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। यही तरीका है सबसे कम टाइम पीरियड पर सबसे ज़्यादा पढ़ने का। वीडियो लेक्चर देखिए, उसके बाद नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो हमारे नोट्स हैं उसको रिवीजन कर लीजिए, टिक मार मार के रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो 4-5 बार रिवीजन कर लेंगे तो इस हर एक चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगी, आपको सब याद रहेगा। राज्याभिषेक बच्चों 2 बार हुआ था। पहली बार तो 1658 में जल्दबाजी में इसने करा लिया था, जब आगरा के पास ये युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध, ये जीता इसने, तो इसके बाद इसने अपना आगरा में राज्याभिषेक जल्दबाजी में करा लिया। लेकिन जब देवराई युद्ध हुआ, जो अंतिम उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हुआ था इसके और इनके भाइयों के बीच में, तो देवराई युद्ध था, वो निर्णायक युद्ध था। उसके बाद ये हो गया कि हाँ भैया, अब औरंगजेब ही अगला उत्तराधिकारी होगा। ये दिल्ली में फिर दोबारा राज्याभिषेक करवाया इसने 1659 ईस्वी में। तो हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि उत्तराधिकार को लेकर युद्ध, लेकिन मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको, औरंगजेब और इसके भाइयों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होना शुरू हो गया जब इसके पिता बीमार पड़ गए। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया, तो अब चारों भाइयों में होड़ मच गई कि कौन अगला शासक बनेगा। उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुए हैं। बहादुरपुर का युद्ध पहला है ये, शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच में। दारा शिकोह की जीत हो गई थी, शाह शुजा हार गया था और भागकर बंगाल चला गया था। उसके बाद दूसरा धर्मठ का युद्ध हुआ था, उज्जैन के पास हुआ था ये युद्ध, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। दारा शिकोह की हार हो गई थी, औरंगजेब जीत गया था। 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ था आगरा के पास, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। औरंगजेब जीत गया, दारा शिकोह इसमें हार गया था। इसके बाद औरंगजेब ने आगरा के किला में सबसे पहले अपना पहली बार राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद युद्ध हुए, खजुआ का युद्ध हुआ। उसके बाद अंतिम देवराय की घाटी का युद्ध हुआ। इसके बाद इसने अपना प्रॉपर दिल्ली के अंदर राज्याभिषेक करवाया, तो वो दूसरा राज्याभिषेक था।
है। तो दूसरा राज्याभिषेक करवाने के बाद एक उपाधि ग्रहण की, बहुत लंबी उपाधि है, अब्बुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। एक दो बार पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन आएगा आप समझ जाएंगे, टिक कर देंगे। अब्बुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। लगे हाथ, ये भी देख लीजिए, मृत्यु कब हुई थी? 20 फरवरी 1707 ईस्वी में मृत्यु हुई थी, महाराष्ट्र के खुलदाबाद में मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब बच्चों पत्नी, सबसे महत्वपूर्ण पत्नी के बारे में हमें पढ़ना है, दिलराज बानो बेगम, या कहीं कहीं इतिहासकार ने इसे दिलरास बानो बेगम भी लिखा हुआ है, दिलरास बानो बेगम। तो बीबी का जो मकबरा है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ये बीबी का मकबरा, ताजमहल की तरह देख रहे हैं आप, ये औरंगजेब ने बनवाया था अपनी वाइफ की याद में, तो ये बीबी का मकबरा है। तो दिलराज बानो बेगम नाम था, और एक और नाम था राबिया बेगम भी इसी का नाम था। तो दिलराज बानो बेगम का एक और नाम था राबिया बेगम, औरंगजेब की वाइफ थी ये। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, बहुत धार्मिक रूप से बहुत कट्टर हुआ करता था ये। इसके जो शिक्षक थे, महत्वपूर्ण जो शिक्षक थे, मीर मोहम्मद हकीम थे, औरंगजेब के शिक्षक का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। अब औरंगजेब और शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी के बीच में संघर्ष चला, तो हालांकि कंप्लीट जानकारी आपने जो छत्रपति शिवाजी वाला जो चैप्टर है, मराठा साम्राज्य वाला चैप्टर, उसमें पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी है कि 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत और अहमदनगर को लूटा, गुजरात में सूरत और अहमदनगर को लूटा, ये उस समय मुगलों के ही अधीन क्षेत्र था। तो हार कर परेशान होकर औरंगजेब ने जयसिंह की नियुक्ति की, जयसिंह और शिवाजी के बीच में युद्ध हुआ पुरंदर जगह पर, तो वहाँ पे पुरंदर की संधि हुई दोनों के बीच में 11 जून 1665 में, जयसिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच में ये पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार टोटल शिवाजी के पास जो 35 किले थे ना, उनमें से 23 किले देने पड़े। इसके अलावा अपने बेटे शंभाजी को मुगलों की सेवा में भेजना पड़ा, और जयसिंह ने विश्वास दिलाया कि आप को औरंगजेब अपने दरबार में निमंत्रण कर रहा है, आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। तो उसी विश्वास में शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में चले गए, जो कि आगरा वाला दरबार था, लेकिन वहाँ पर शिवाजी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने विरोध किया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके जयपुर के किले में डाल दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये अपने बेटे शंभाजी के साथ वहाँ से भाग गए थे। बाकी आगे की जानकारी आपको छत्रपति शिवाजी वाला जो चैप्टर है वहां पर मिल जाएगी। बच्चों औरंगजेब ने 1689 में जजिया कर फिर से लागू कर दिया था, अकबर ने बंद किया था ना, औरंगजेब ने दोबारा से 1679 में ये जजिया कर लागू कर दिया था। जो गैर इस्लामिक लोग थे, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग नहीं थे, एक अन्य धर्म के लोग थे, जैसे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको ये टैक्स देना पड़ता था धर्म के नाम पर। तो हालांकि 1711 ईस्वी में, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी, उसके बाद 1711 में फिर से समाप्त कर दिया गया। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट रखना है आपको याद, भले ही औरंगजेब बहुत ही कट्टर था धार्मिक रूप से, लेकिन पूरे मुगलों में औरंगजेब ही एक ऐसा शासक था जिसके सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी थे, और सबसे ज़्यादा हिंदू सेना के पत जो सेना लो सेना थी वो इसके टाइम पीरियड पर थी। धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था, शरीयत में आस्था रखता था, धर्म के हिसाब से चलता था, उसी हिसाब से सजा कानून सब कुछ उसी हिसाब से करता था। सिक्कों पर जो कलमा लिखवाया जाता था, इसने बंद करवा दिया। ये जो औरंगजेब था ना, इन सभी मुगलों का मानना था कि ये काफिरों का देश है, भारत काफिरों का देश है, अर्थात ये दारुल हर्ब है। तो इसे औरंगजेब दारुल इस्लाम बनाना चाहता था, मतलब भारत को इस्लाम का देश बनाना चाह रहा था, ठीक है, जिसमें उसको सफलता नहीं मिल पाई। उसके अलावा
गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु है बच्चों, ये देख लीजिए गुरु तेग बहादुर जी हैं सिखों के 9वें गुरु हैं। इनको भी इस्लाम बनने के लिए कहा था, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए औरंगजेब ने कहा था, लेकिन इन्होंने विरोध किया, इसी के कारण से इनको मृत्यु दंड दे दिया गया औरंगजेब के द्वारा। तो गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे, औरंगजेब ने इनको मृत्यु दंड दिया था क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं कबूला था। उसके बाद देखिए बीजापुर और गोलकुंडा, जो मुस्लिम साम्राज्य था दक्षिण में, बहमनी साम्राज्य, 5 भागों में बटा था। पहला आपको पता है अहमदनगर, दूसरा गोलकुंडा, तीसरा बीदर, चौथा बरार और 5वां बीजापुर। इनमें से गोलकुंडा और बीजापुर, गोलकुंडा और बीजापुर पर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था औरंगजेब के टाइम पीरियड पर। तो बीजापुर के उस समय जो शासक का नाम था सिकंदर आदिल शाह था। इसके अलावा गोलकुंडा में एक शासक था एकदम कमजोर शासक, अबुल हसन। हालांकि इतना कमजोर था इसी कारण से इसका जो साम्राज्य, इसके मंत्री ब्राह्मण मंत्री थे मदन्ना और अकन्ना, ये चलाया करते थे। अबुल हसन का साम्राज्य 2 मंत्रियों के द्वारा चलाया जाता था, मदन्ना और अकन्ना, ये ब्राह्मण मंत्री थे। इसी का लाभ उठाकर गोलकुंडा को भी औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो साम्राज्य देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया था मुगलों का। इसके अलावा औरंगजेब के टाइम पीरियड पर 2 विद्रोह सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखने हैं। हालांकि विद्रोह तो बहुत हुए हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से 2 आपको इम्पोर्टेंट याद करने। सबसे महत्वपूर्ण है जाटों का विद्रोह। जाट उस समय मथुरा या यूपी वाला जो इलाका, हरियाणा वाला इलाका, यहाँ पर जो किसान लोग थे वो थे, ये जाट जो थे मुख्य रूप से किसान थे। वहाँ पे जो औरंगजेब ने अपने सूबेदार को नियुक्त किया था, ये देख रहे हैं सूबेदार का नाम है अब्दुल नबी, ये मथुरा का सूबेदार था। ये बहुत प्रताड़ित कर रहा था, इनकी जो आर्थिक नीति थी किसानों से, उससे बहुत नुकसान होता था। किसान आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो रहे थे, उनका खाना पीना भी दुर्लभ हो रहा था, इतना टैक्स हो रहा था। इसी से परेशान होकर जाटों ने विद्रोह कर दिया। किसके नेतृत्व में? शुरुआत में तो जमींदार गोकुला के नेतृत्व में विद्रोह किया, लेकिन जल्दी ही इनकी हत्या करवा दी औरंगजेब ने। लेकिन ये विद्रोह रुका नहीं, उसके बाद राजा राम, इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 1686 में इन्होंने शुरुआत की, 1688 आते आते इनको भी मार दिया गया। लेकिन बाद में भी कोई ना कोई विद्रोह का नेतृत्व करता रहा, ये चलता रहा। जब तक औरंगजेब की मृत्यु हुई तब तक ये विद्रोह चलता रहा। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो राजा राम के भतीजे हैं, ये राजा राम जो हैं भतीजे इनके हैं चूरामन, इन्होंने जो राजस्थान वाला जो भरतपुर के इलाका है वहाँ पर ये अपना एक स्वतंत्र राजवंश स्थापित कर दिया, तो जिसे भरतपुर राजवंश कहा गया। इसके बाद औरंगजेब के पुत्र अकबर ने भी विद्रोह किया था। जो राजपूत थे राणा राज सिंह और दुर्गादास राठौर, इन्हीं के कहने पर इन्होंने सहायता दी अकबर को और विद्रोह कर दिया अकबर ने अपने पिता के ही खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ। हालांकि सफल नहीं हो पाया, अपनी जान बचाकर भारत से भाग गया, ये सफल नहीं हो पाया। ठीक, देखिए औरंगजेब बताया बहुत कट्टर था धार्मिक रूप से, इसलिए धार्मिक रूप से कैसे सिस्टम चलाना वो करता था। और इस्लाम धर्म में आपको पता है कि संगीत पर पाबंदी है, तो ये भी संगीत पर पाबंदी लगाता था अपने दरबार में। और इससे पहले के जो मुगल थे वो अपने जन्मदिवस को मनाते थे और अपने जीवन जन्मदिवस पर अपने भार के बदले सोना चांदी ये तोलवाकर बांटते थे, वो सिस्टम इसने बंद करवा दिया। इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया 1665 के बाद, जिसमें गुजरात में सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, जो बनारस का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है जो अभी बात चल रही है उसको भी इसी ने तोड़वाया,
और केशव राय मंदिर ये वीर सिंह देव ने बनवाया था, जहांगीर के टाइम पीरियड पर ये मंदिर बना था, केशव राय मंदिर, इसको भी तोड़वा दिया था औरंगजेब ने। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु होती है 20 फरवरी 1707 ईस्वी में, खुलदाबाद महाराष्ट्र में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये छः जो मुगल शासक थे इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। इसके बाद औरंगजेब के बाद कमजोर मुगल शासक आए, उनके बारे में एक ही वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है? तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।